नमस्कार दोस्तों, धूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सुपर नेचुरल पावर कैसे मैंने अपने अंदर डेवलप्ड होते हुए देखा है। कैसे मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें मैं पहले से ही समझ जाती हूँ या फिर जान जाती हूँ या फिर कह लीजिए किसी के मन की बात को पढ़ लेती हूँ। वो कैसे पॉसिबल हुआ है मेरे साथ, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो दिव्य शक्ति होती है ना, वो जागृत होती है, या फिर कह लीजिए कि एक दिव्य शक्ति के साथ आपकी दिव्य शक्ति का जुड़ाव होने लगता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्र की चांटिंग करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने सुपर नेचुरल पावर को कैसे फील करती हूँ और मैं ऐसे क्यों सुपर नेचुरल पावर कह रही हूँ, वो भी आप लोगों को आज के वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहला रहस्य तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपकी शक्ति इतनी ज़्यादा जागृत होती है, आपके सभी चक्र इतने ज़्यादा जागृत हो जाते हैं, जिस वजह से आप सामने वाले के मन में चल रही बात को आप उनकी आंखों से ही पढ़ सकते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैं किसी की भी आंखों में अगर आंखें डालकर बात करूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये इंसान अगला क्या कहने वाला है या फिर अगली इसकी क्या बातें हो सकती है जो वो मुझे बताना चाह रहा है, और जो भी बता रहा है वो सच है या झूठ है। इसको परख करने की शक्ति मैंने खुद में अनुभव की है। कुछ लोग बहुत ही हास्य कर समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब ये इंसान में ये बदलाव आना शुरू होता है, जब आपकी आपके दिमाग की शक्ति जब बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है ना, तो आप कुछ चीज़ें पहले ही जानना शुरू कर देते हैं। आपकी सिक्स सेंस जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपकी इंट्यूशन पावर जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आपको पहले से ही एहसास होने लगता है कि कुछ होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से मुझे ये एहसास हो गया था कि, या फिर कह लीजिए मैंने सपने में ही देख लिया था कि मेरी सासू माँ अब हमारे बीच में नहीं रहेंगी। वो भी मैं बताती हूँ कैसे। 10 दिन पहले, उनकी मृत्यु के 10 दिन पहले मैंने सेम सिचुएशन देखा। किस तरीके से मृत्यु के बाद मेरी सासू माँ लेटी हुई थी, हमारी फीलिंग्स कैसी थी, हम कैसे समझ नहीं पा रहे थे, हमारे मन के अंदर क्या भावना उत्पन्न हो रही थी, ये सारी चीज़ें मैंने 10 दिन पहले ही सपने में मैंने देखा था। मैं इसे बोलना चाह रही थी सासू माँ को, लेकिन जब मैं बोलने गई किसी न किसी कारणवश मैं बोल नहीं पाई और वो इंसिडेंट को मैं वहीं पर भूल गई थी। क्योंकि जब मैंने बोलना चाहा तब सासू माँ व्यस्त थी, और जब मैं व्यस्त थी तब सासू माँ के साथ वो बातें ही नहीं हुई क्योंकि मैं भूल गई थी। उसके बाद ठीक 10 दिन के बाद जब ये घटना घटी तो मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि सेम तरीके से मेरी सासू माँ लेटी है, सेम तरीके से हम बातें कर रहे हैं, सेम तरीके से हम फील कर रहे हैं, सेम तरीके से हमारे लिए वो सिचुएशन शॉकिंग हो गया था। तो हम लोग शॉक्ड थे उस सिचुएशन को देखकर, पर वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने ये सिचुएशन 10 दिन पहले ही देख लिया था, पर मैं इसे किसी को बता नहीं पा रही थी। बाद में जब सारे काम हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने 10 दिन पहले ये सिचुएशन देखा था, क्योंकि बताने से भी डर रही थी कि शायद इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए मेरे पर। मेरे हस्बैंड मुझे शायद मुझसे बोलेंगे कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो सपना था और मैं उसे सपने की तरह ट्रीट कर रही थी। लेकिन 10 दिन के बाद वही चीज़ सत्य में घटित हुई, तो ये भी समझना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि आखिर वो इसे नॉर्मली ले या एबनॉर्मली ले, कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो वही चीज़ें मेरे साथ होती हुई चली गई। इसके बाद जब मैं मेडिटेशन करती, मेरे साथ और जो सुपर नेचुरल पावर होती है ना, वो और ज़्यादा एक्टिव होनी शुरू हो गई थी, जिस वजह से सामने वाले की आंखों में देखते ही मुझे पता चल जाता था कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलेगा, वो क्या मुझसे कहना चाहेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरे सामने क्लियर होती हुई चली गई। कभी कभी कुछ सुपर नेचुरल एनर्जीज को मैंने फील किया,
कभी मुझे लगा कि कोई मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, कभी कुछ मुझे लगा कुछ मेरे साथ अजीबो गरीब होता है जब मैं ज़्यादा पूजा पाठ के अंदर होती हूँ या फिर ज़्यादा मेडिटेशन मंत्र चांटिंग के अंदर होती हूँ, तो वो पावर मैं फील करने लग जाती हूँ। मैं इसे हर किसी को नहीं बता सकती क्योंकि लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर जो होती है ना, ये आप ठीक उस वक्त अपने आप अपने अंदर में ये फील कर सकेंगे जब आप कुछ अद्भुत चीज़ें अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, आपको अचानक से वहाँ से निकलने का एक अजीबोगरीब रास्ता मिल जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा सुपर नेचुरल पावर जब आप में डेवलप्ड होता है तो आपको एक दूसरी चीज़ जो पता चलती है कि आप बहुत शांत होना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर जो ज्वालामुखी है जो आपको किसी भी सिचुएशन में बहुत उत्तेजित कर देती है, वो सिचुएशन शांत होना शुरू हो जाएगा। आप उस सिचुएशन में आप खुद को काम एंड क्वाइट फील करना शुरू कर देंगे। ये असर है आपके सुपर नेचुरल पावर्स का जागृत होने का, जो मैंने खुद में फील किया है। ये हर कोई समझ नहीं सकता, ये वही समझ सकता है जिसके अंदर ये शक्तियाँ जागृत होती हैं, जो सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाता है। वो एक्सपीरियंस से नहीं होता है, वो कभी कभी सुपर नेचुरल पावर से होता है। कुछ कुछ पावर्स ऐसे होते हैं जो आप खुद समझने लग जाएंगे कि ये चीज़ बड़ा अजीब हुआ, पर ये दूसरे को समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से मुझे पता चल गया कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं सिर्फ उसके चेहरे को देख कर ही पढ़ लेती हूँ। उसकी आंखों में देख कर ही मैं ये समझ जाती हूँ कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या नेक्स्ट वो क्या बोलेगा। तो ये जो सुपर नेचुरल पावर है, ये जो हम लोग फील करते हैं, ये यूँ ही नहीं डेवलप होता। हालांकि हम सबके अंदर वो सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन इसे भी जागृत करना पड़ता है, इसे भी हर दिन रिचार्ज करना पड़ता है। आप इसे जब तक चार्ज नहीं करोगे, ये चार्ज्ड अप नहीं होगा। तो इसके लिए ही मंत्र चांटिंग, मेडिटेशन और पूजा पाठ होता है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपके चक्र को, आपकी एनर्जी को पॉलिश नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिश्ड हो सकता है जब आप अपने अंदर मेडिटेशन को जगह देते हैं, जब आप अपने अंदर पूजा को आप जगह देते हैं, जब आप अपने अंदर मंत्र को, वो भी मंत्र वो आप ना चुने, वो या तो आपके लिए तैयार हो जो आपको करना चाहिए, या फिर जो करने से आपको फ़ायदा हो वो मंत्र करना चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा सिद्ध मंत्र जो आपको करना चाहिए वो उस मंत्र के माध्यम से ही पॉसिबल होता है। क्योंकि हर मंत्र आप ट्राई करेंगे तो दैट मीन्स आप अपनी एनर्जी को जो है ना, वो आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल जैसे तैसे बिखेर दे रहे हैं, क्योंकि ना आपकी एनर्जी एक मंत्र पर जा रही है, ना दूसरे पर, ना तीसरे पर, ना चौथे। मैं जो अपने क्लाइंट्स को जो मंत्र देती हूँ, वो मंत्र उनके लिए ही होता है कि मैं उनको समझ कर उनके लिए ही मंत्र वो देती हूँ, कि इसके सिवा आप कोई और अदर मंत्र को नहीं कीजिएगा। या तो एक या दो मंत्र मैं उन्हें देती हूँ, इसके सिवा आप और कोई मंत्र जाप नहीं कीजिएगा। पर आप अगर करते हैं वो आपकी इच्छा है, मगर इसके सिवा जो मैं देती हूँ, इसके सिवा मत कीजिएगा, क्योंकि हर मंत्र का एक अपना अपना रिएक्शन होता है। तो वो समझते हुए, आपके प्लैनेट्स को समझते हुए मैं मंत्र देती हूँ, और इसका असर भी लोगों के जीवन में दिखता है। तो सुपर नेचुरल पावर जो मैंने अपने अंदर देखा, ये मेरे काम में बहुत सहयोग किया, क्योंकि काम को करने के लिए भी आपको एक पावर की ज़रूरत है, एक एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी भी क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, हीलिंग्स में हूँ, तो मैं लोगों के फीलिंग्स को एनर्जाइज करती हूँ, चैनलाइज करती हूँ कि क्या करने से, क्या कुछ करने से, क्या आपके जीवन में चेंजेस करने से आपके जीवन में बेनिफिट्स मिलेंगे, तरक्की आएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये इतना ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका एक वैल्यू एडिशन होता है, इसका एक रिएक्शन भी होता है। तो वो रिएक्शन के तौर पर मैंने सुपर नेचुरल पावर को अपने अंदर मैंने देखा है वो कैसे विकसित हुआ है। जैसे कि खुद को शांत कर लेना, खुद को संभाल लेना, लोगों की आँखें पढ़ लेना, लोगों के चेहरे को पढ़ लेना और आगे क्या होने वाला ये जान लेना सपने में ही। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ होने वाला है वो पहले से ही आपको कुछ डिस्टर्ब करता है। मुझे सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे साथ अगर कुछ होने वाला है ना, अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं
मुझे एक अनइजीनेस फील होता है, वो इस तरह से फील होता है कि मुझे, मैं सारी चीजें कर रही हूँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हर एक चीज पर अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर रही हूँ पर फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो दैट मीन्स उसके कुछ ही दिन के बाद या एक या दो या तीन चार दिन के बाद ही मुझे कुछ न्यूज आ जाते हैं कि कुछ चीजें गलत हो रही है। तो ये धीरे धीरे जो मेरे अंदर डेवलप्ड हुई है, ये बहुत सारे क्षेत्र में मेरे लिए अच्छी भी साबित हुई है। एक तो साबित हुई है कि क्या अगला पड़ाव होना चाहिए, क्या 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 करने से मेरे जीवन में कुछ चीजें चेंजेस ला सकती हैं, या फिर कुछ चीजें नहीं करने से मेरे जीवन में चेंजेस आ सकती हैं। तो ये जो समझ, ये जो सोच, ये सारी चीजें मैंने डेवलप्ड होते हुए देखा है। तो ये सुपर नेचुरल पावर्स से कम नहीं है कि आपको इंट्यूशंस पहले ही आ जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आपके साथ क्या होने वाला है अगला। तो ये चीजें जो है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे विकसित किया है मेडिटेशन से, मंत्र चांटिंग से और पूजा पाठ से। और अपने जीवन को बहुत सिंपली मैंने अपने जीवन को रूल किया है कि सिंपलिसिटी में वो मजा है जो आपको सिंपल रहने देता है। बाहरी दिखावा, बाहरी चमक धमक, बाहरी चीजें, ये चीजों से ना, मैं, मुझे लगता है ये बहुत ही सामान्य चीजें हैं, लोग बहुत सामान्य तरीके से जी सकते हैं। मैं भी जीती हूँ, मुझे जीना भी सिखाया है कि आपको किस तरीके से जीना है। मैं बहुत सिंपल लाइफ लीड करती हूँ, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा तामझाम मैं नहीं है। मुझे जो अच्छी लगती है वो मैं लेती हूँ, मेरे घर को जो अच्छी लगती है, मेरे फैमिली को जो अच्छी लगती है वही लगती है। बहुतों की है, मेरे जो सराउंडिंग्स में है, ये लोग पार्टी करते हैं, ये लोग बाहर जाते हैं, या फिर होल नाइट पार्टी करते हैं, ये वो करते हैं, अपना दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। आप सच मानिए तो मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत मैं घरेलू प्रकृति की हूँ कि मुझे घर में रहकर घर को ठीक रखना, खुद को ठीक रखना, मुझे हवा के साथ बहना नहीं है। हो सकता है पहले के जीवन में मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें थी क्योंकि मैं उस समय नहीं जानती थी कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। लेकिन अभी वो पावर है, अभी वो शक्ति है कि मैं समझ सकती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है कि मैं क्या हूँ वही लोग देखें, मेरे अंदर कुछ बाहर कुछ वो चीज़ लोग ना देखें। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत ऑनेस्टी को मेंटेन करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ किसी चीज़ के लिए। और अगर मैं किसी के साथ अगर अपनी बॉन्डिंग भी बनाती हूँ तो वो ऑनेस्टी के साथ रहे। सारी चीज़ें जो हम अपनी सोच के साथ बदल सकते हैं, वो शक्ति मेरे में अंदर जागृत हुई है। मैं क्या कर सकती हूँ, वो शक्ति मेरे अंदर जागृत हुई है। मैं अपने जीवन में बेटरमेंट कैसे ला सकती हूँ, वो शक्ति मेरे में जागृत हुई है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये शक्ति हर किसी में है, लेकिन ये शक्ति तब तक ही एक्टिव है जब तक आप इसको पावर दे रहे हो। ये तभी यूजलेस हो जाती है ये शक्ति, या फिर इसकी पावर घट जाती है जब आप इसको पावर नहीं देते हो। तो इसको पावर देने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्या ज़रूरत है कि आप इसको मेडिटेशन में कन्वर्ट करो, शक्ति को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ का माध्यम, और आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र की जाप, जो मंत्र आपके लिए है उसी मंत्र के जाप से आप अपनी जो सुपर नेचुरल पावर की जो शक्ति है वो आप बढ़ा सकते हो, और आप खुद अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार खुद ही देख सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपने जीवन में हम कैसे दिन ब दिन जब अपने लाइफ को चेंज करते हैं, स्पिरिचुअल वे में जब अपने लाइफ को लाते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं जब भी ये सारी बातें कहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये आपकी मन की बातें हैं, जो मेरे साथ हो रहा है डेफिनेटली आपके साथ भी हो रहा है अगर आप इस तरीके से अपने जीवन को फॉलो करते हैं। तो फिर आप लोगों के लिए ये समझने में ईजी हो जाएगा कि ये और कुछ नहीं, ये सुपर नेचुरल पावर है जो डेवलप्ड हो रहा है डे बाई डे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।